तो देश के अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब भूकंप आया तो लोग कैसे डरकर अपने घरों से निकल के सड़क पर आ गए। धरती हिली तो खौफ से कांपा हिंदुस्तान। उत्तर भारत में भूकंप के झटकों से हड़कंप। सोने से पहले भूकंप ने दिया सदमा। 6.6 की तीव्रता से कांपी धरती, उड़ गई नींद। दिल्ली से देहरादून तक, हरियाणा से कश्मीर तक भूकंप के झटकों ने उत्तर भारत को डरा दिया। भूकंप ने मंगलवार रात किस तरह लोगों को खौफ ज्यादा किया, ये उसी की तस्वीर है। धरती डोली तो श्रीनगर के रिहायशी इलाकों में भी हड़कंप मच गया। देखिए तस्वीरें। धरती हिली तो घर में लगा झूमर भी तेजी से डोलने लगा। ये खतरे की आहट थी। तेज झटकों की वजह से रात के अंधेरे में हर कोई अपने मकान से बाहर भागा। रात 10 बजे के बाद अमूमन यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन सुनी रहने वाली सड़कों पर कल भीड़ थी। हर कोई इस भूकंप की चर्चा कर रहा था। पहले थोड़ा सा हल्का सा झटका महसूस हो गया लोगों को, उसके बाद जब लोग बाहर आए घर के तो दूसरा झटका जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। वो अभी तक पता नहीं चला कितने हेक्टर्स का था, तो लेकिन भूचाल बहुत काफ़ी ज़्यादा है और जो लोग हैं वो बहुत सहमे हुए हैं, अपने घरों से बाहर आए हुए हैं। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। इस मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। कटरा पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी भूकंप के इस खतरे को महसूस किया। धरती हिली तो वो जान बचाकर भागे। हर कोई उस पल को याद कर रहा है जब धरती कांपी। अमृतसर, मोहाली और पंजाब के अन्य हिस्सों में भी भूकंप का डर दिखा। लुधियाना में इस खतरे की आहट हुई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। झटका लगते ही हर कोई घर से बाहर की ओर दौड़ा। जिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा था वहां चंद सेकंड के भीतर भारी भीड़ लग गई। तो बहुत डर लग गया। मैं सोया हुआ था ऊपर और मेरा जो पलंग था वो तो बहुत ही वाइब्रेट कर रहा था। मैं बोला यार कुछ तो झटके हैं या कुछ भूकंप आया है, और ऊपर से जो पंखा भी जो है ना बहुत हिलने लग गया और मैं सीधा भागा हूँ। अभी मैंने वैसे ब्रश भी नहीं किया, मैं नीचे भाग के आया हूँ, अभी जाना है ऊपर। तो तकरीबन वो लंबा भी चला। एक तो ठीक है तो थोड़ा कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चला और अपना ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्डिंग जाएगी। कांगड़ा घाटी में तो दोहरा संकट दिखा। एक तरफ भूकंप के झटकों का डर तो दूसरी ओर आसमानी आफत भी टूटी। लगातार बारिश की वजह से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। घाटी में पहुंचे पर्यटक परेशान नजर आए। राजस्थान के पुष्कर में भी रात करीब 10:23 पर भूकंप के झटके लगे। लोग बताते हैं कि उन्हें दो बार झटका महसूस हुआ। घरों की खिड़कियां, दरवाजे और पंखे हिलने लगे। तब वो घबराकर घरों से बाहर भागे। कई तो नींद में थे, लेकिन पहले झटके के बाद वहां भगदड़ मच गई। बिल्डिंग के जो पूरी बिल्डिंग जो हिल रही थी, उसके साथ साथ उसके जो कांच थे वो भी खड़खड़ कर, शीशे भी बोल रहे थे, उसके साथ बाहर जो गेट था ना वो भी जबरदस्त आवाज दे रहा था। आज तक ब्यूरो।